सपोर्ट इंजीनियर क्या होता है, उनकी लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो क्या काम करते हैं, और यदि मैं सपोर्ट इंजीनियर बनना चाहता हूं तो कैसे बनूंगा इंजीनियर के लिए। मेनली यार सैलरी की बात करें यदि सपोर्ट इंजीनियर का, तो हर कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट होता है यार। हेलो एवरीवन, इट्स मी अमृत आनंद। तो कैसे हो आप लोग? तो यार इस वीडियो में मैंने एक सब्सक्राइबर के क्वेश्चन को पिक करा हुआ है, जो आप लोग कमेंट सेक्शन में ऐड करते हो, और काफ़ी जेन्युइन सा क्वेश्चन मुझे लगा, तो मैंने सोचा कि इसका रिप्लाई वीडियो बनाते हैं। और यदि आपके भी कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू जॉब प्रिपरेशन, लाइक ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस, लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिलेटेड, या फिर कुछ भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन कोई है, कोई भी माइंड में क्वारी है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो। और यदि जेन्युइन टॉपिक होगा तो मैं ऑफकोर्स उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, या फिर मैं उसका रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा यार। तो यार हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सब्सक्राइबर का क्वेश्चन है यार, उनका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सपोर्ट इंजीनियर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर। सॉफ्टवेयर डेवलपर और सपोर्ट इंजीनियर के बीच में क्या डिफरेंस है, सपोर्ट इंजीनियर क्या होता है, उनकी लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो क्या काम करते हैं कंपनीज में सपोर्ट इंजीनियर, और यदि मैं सपोर्ट इंजीनियर बनना चाहता हूं तो कैसे बनूंगा, उसके लिए क्या स्किल सेट होनी चाहिए, सपोर्ट इंजीनियर की सैलरी क्या हो सकती है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे यार जो उन्होंने मुझसे पूछ रखे थे। तो मैंने इस वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस के डिटेल में रिप्लाई करने वाला हूं, मैं आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, और एट लास्ट मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और एक सपोर्ट इंजीनियर के बीच में क्या सिमिलैरिटी होती है उसको भी मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या सिमिलर चीज़ें होती हैं दोनों के बीच में। तो यार वीडियो को पूरा देखना, और काफ़ी सारी नॉलेजेबल बातें होने वाली है, काफ़ी सारी एक्सपीरियंसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो ऑफकोर्स बहुत अच्छी वाली ये वीडियो बनने वाली। तो और आओ फिर स्टार्ट करते हैं। तो यार मेनली सपोर्ट इंजीनियर कई टाइप के होते हैं, लाइक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर होते हैं यार, आईटी सपोर्ट इंजीनियर होते हैं, एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर होते हैं, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर होते हैं। बट यार मैं बताऊं तो मेजरली काम सेम होता है सबका। आप किसी क्लाइंट का या फिर किसी एम्प्लॉय का या फिर किसी यूजर का आप हेल्प कर रहे होते हो, उसके एक्सेस में वो कुछ कर रहा है तो आप उस वहां पे उसका हेल्प करोगे। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर क्या करता है किसी कंपनी में, क्योंकि हर कंपनी में टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर होता है, आप उसको आईटी सपोर्ट इंजीनियर भी बोल सकते हो, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर भी बोल सकते हो। तो यार टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर अपने यूजर को, अपने एम्प्लॉय को, अपने क्लाइंट को लाइक टेक्निकली हेल्प करते हैं। यदि बंदा कोई लाइक टेक्निकल इशू फेस कर रहा है, कोई टेक्निकल ग्लिच उसके सिस्टम में हो चुका है, या फिर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर पाता है, या फिर उसको नेटवर्क इशू आ रहा है, उसका लाइक वाईफाई काम नहीं कर रहा है उसके सिस्टम का, या फिर कुछ भी ऐसा टेक्निकल ग्लिच को फेस कर रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो वहां पे यार अपना टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर उसका हेल्प करता है, इन सारे टेक्निकल इशू को रिजॉल्व करता है टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर। तो यार अब आपके मन में आ रहा हो कि टेक्निकल ग्लिच क्या होते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं। जैसे मैं आपको यदि कोई नया लैपटॉप मिला, आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हो पर अपने प्रोजेक्ट के लिए, आपको सपोज करो कि वीपीएन का प्रॉब्लम हो रहा है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में आपको इशू आ रहा है, आप वीपीएन आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, कुछ एक्सेस इशू आ रहा है आपको, कुछ आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको नेटवर्क का इशू आ रहा है, आपका नेटवर्क सही से काम नहीं कर रहा है, आपको वाईफाई का इशू आ रहा है, तो ऐसे जितने भी सारे ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स है यार, इनको टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर जो आप हेल्प डेस्क नंबर को कॉल करते हो ना ऑफिस में, कि आप टिकट रेज करते हो, वो टिकट एक हेल्प डेस्क के पास जाता है और वो बंदा आपको कॉल करता है, आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। तो यही होता है टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, जो आपके सिस्टम के आपके कुछ भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो वहाँ पे आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसको यूज करने में उसको वो रिजॉल्व करेगा। तो यार यही है टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर का काम, यही होता है। मैं यार आप लोग को एक मस्त वाला एग्जांपल देता हूँ, आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे कि आप किसी कंपनी में नया ज्वाइन करते हो, आपको यार एक लैपटॉप साइन होता है, ऑब्वियस बात है साइन होता है, लैपटॉप सबको एक नया लैपटॉप साइन होता है, आपको उस लैपटॉप को प्रोजेक्ट रेडी करने में जो हेल्प करता है वो अपना टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर ही होता है यार। अब प्रोजेक्ट रेडी क्या होता है, प्रोजेक्ट रेडी मीन्स कि उस लैपटॉप में वो सब कुछ है, वो सॉफ्टवेयर है, वो जितने भी ऐप है या फिर जो भी चीज़ें हैं जिससे कि थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, वो सब कुछ उस लैपटॉप में है, देन वो लैपटॉप प्रोजेक्ट रेडी है। और उस लैपटॉप को प्रोजेक्ट रेडी करने में जो हेल्प करता है वो यार बंदे होते हैं, आईटी सपोर्ट इंजीनियर बोल सकते हो, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर बोल सकते हो, यही सारे लोग आपको हेल्प करेंगे उस लैपटॉप को प्रोजेक्ट रेडी करने में। तो यार ये जितने भी टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर होते हैं या फिर आईटी इंजीनियर होते हैं यार, ये इंटरनली एक्सटर्नली दोनों जगह काम करते हैं। सपोज किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो तो आपको वहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट होता है, तो वो सारे जो होते हैं यार इंटरनली एम्प्लॉय को हेल्प कर रहे होते हैं, एम्प्लॉय को प्रॉब्लम होती है, कुछ नेटवर्क ग्लिच आ रहा है, कुछ भी टेक्निकल ग्लिच
आता है तो वो एम्प्लॉय को हेल्प कर रहे होते हैं। अगर बाहर यूजर है कुछ एक्सेस कर रहा है, उसको एक्सेस करने प्रॉब्लम हो रही है, किसी चीज को यूज करने प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पे वो उनको भी हेल्प करते हैं। तो वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों को हेल्प करते हैं यार। ये टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर जितने भी होते हैं, जो भी आईटी सपोर्ट बोलते हो, टेक्निकल सपोर्ट बोल सकते हो या फिर डेस्कटॉप सपोर्ट भी बोल सकते हो, इन लोगों का मेजरली काम सेम ही होता है सबका। अब यार बात करते हैं कि स्किल सेट क्या होना चाहिए यदि आपको लाइक सपोर्ट इंजीनियर बनना है, तो क्या स्किल सेट होनी चाहिए। तो यार ऑब्वियस बात है कि आपको अच्छा वाला ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, आपको यार नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए, अच्छा वाला नॉलेज होना चाहिए नेटवर्किंग का, आपको यार सिस्टम मॉनिटरिंग आनी चाहिए अच्छे से, आप सिस्टम के बारे में आपको अच्छे से सब कुछ नॉलेज हो, पार्ट पार्ट का नॉलेज हो सिस्टम के अंदर का, और आपको यार कस्टमर इंटरेक्शन बहुत अच्छे से आना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज यार आप लोग को कस्टमर से आप बोल सकते हो, आपको यूजर से बोल सकते हो, आपको इम्प्लॉय से इंटरेक्ट करना है, उनके प्रॉब्लम को समझना है, देन आपको रिजॉल्व करना है, तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, आपको कस्टमर से इंटरेक्ट करने आपको आनी चाहिए अच्छे से। और यार आप लोग को कुछ टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए, जैसे कि आपको हार्डवेयर का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए, नेटवर्किंग का अच्छा वाला नॉलेज होना चाहिए, वीपीएन का आपको नॉलेज होना चाहिए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो होता है उसका भी आपको अच्छा वाला नॉलेज होना चाहिए। तो ये टेक्निकल पार्ट्स को भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप तभी आप इशू को समझोगे या देन आप रिजॉल्व कर पाओगे। तो ये स्किल सेट आप एड ऑन कर सकते हो कि ये स्किल सेट होने जरूरी है। यदि मैं डिग्री की बात करूं कि कौन से डिग्री जरूरी है यार सपोर्ट इंजीनियर बनने के लिए, तो यार ऑब्वियस बात है सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर जो होते हैं यार वही बनते हैं, वो उनका ही इंटरेस्ट होता है यार सपोर्ट इंजीनियर बनने में, तो डिग्री कुछ डिफरेंट नहीं होगा, सीएससी वाले ही बनते हैं सपोर्ट इंजीनियर। तो आपका यदि बीटेक किए हो, आपका सीएससी से बीटेक किए हो, तो आप यार जा सकते हो एज ए सपोर्ट इंजीनियर के लिए। मेनली यार सैलरी की बात करें यदि सपोर्ट इंजीनियर का, तो हर कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट होता है यार। अमेजॉन का ऑफिस तो कुछ बहुत अच्छा होगा, माइक्रोसॉफ्ट का बहुत अच्छा होगा, अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी की बात करो तो वहाँ पे थोड़ा सा यार यू नो कि लाइक अराउंड आप कह सकते हो कि 2.5 एलपीए से स्टार्ट होता है, सबसे जो लाइक एवरेज सैलरी बोल सकते हो वो 2.5 एलपीए से स्टार्टिंग होती है यार इसकी एज ए सपोर्ट इंजीनियर की। और बाकी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट डिफरेंट होता है यार, आप नेट पे चेक कर सकते हो यदि यदि आपको लाइक रिक्वायरमेंट है तो। तो ये सब कुछ था यार एक सपोर्ट इंजीनियर के बारे में, जो मैंने आपको मैक्सिमम चीज़ें कवर कर दी है, और भी कुछ अगर छूट गया तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा उसका यदि आपको कुछ और भी जानना है तो। बाकी यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या होता है, आपको पता आई थिंक ऑलरेडी होगा कि जो डेवलपर होते हैं यार वैसे बात है वो डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, वो कुछ डेवलप करते हैं लाइक ऐप डेवलपमेंट हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, या फिर लाइक इस रियल टाइम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं ये सारे जो डेवलपर होते हैं यार, लाइक सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन HTML5 CSS3 JavaScript ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर ये लोग काम करते हैं डेवलपर, और ये सारी चीज़ों को डेवलप करते हैं। तो ये डेवलपर ये हो गया और ये हो गया आपका सपोर्ट इंजीनियर। आई थिंक काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो गई होगी दोनों के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई थिंक मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर दी है, अभी भी कुछ बचा हुआ है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हो, और भी कुछ क्वारी है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हो यार, मैं आपका रिप्लाई करूँगा, और या फिर अगर जेन्युइन टॉपिक होगी तो मैं वीडियो भी बना सकता हूँ उसके ऊपर। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय।